अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, मैं हूं अबू बकर बहरिया टाउन कराची से। इस टाइम मैं बहरिया पैराडाइज़ के अंदर रेस्टोरेंट 48 और 47 के दरमियान में जो सर्विस रोड है उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा हूं, और आज आपके साथ एक बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी न्यूज़ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमें एक टाइम पहले बहरिया पैराडाइज़ के अंदर जो कि 47 और 48 की बैक साइड पे बाउंड्री देखने को मिल रही थी, आपको अभी भी देखने को नज़र आ रही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कराची की ये सारी चीज़ें करने के बाद ये बाउंड्री जो है वो आज यहाँ से ख़त्म की जा रही है। इस जगह पे हमें एक टाइम पहले बाउंड्री देखने को मिल रही थी, जहाँ पे आज ये आप देख सकते हैं कि बहरिया ने काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स थे 47 के और 48 के जो कि कटिंग में आगे थे, उनको काट दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन ये कि दोबारा लैंड रीपरचेज़ करने के बाद बहरिया ने फिर से यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है, और ये लैंड जो है अब बहरिया टाउन के पास आ गई है, और बहरिया टाउन ने यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो आपके सामने देख सकते हैं कि डेवलपमेंट का वर्क जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और उसके बाद एक नई खुशखबरी ये भी है कि यहाँ पे कुछ न्यू कटिंग के प्लॉट भी दिए जाएंगे, कुछ न्यू डील्स के प्लॉट भी दिए जाएंगे, वो यहाँ पे डेवलपमेंट होने के बाद, डेवलपमेंट करने के बाद फिर यहाँ पे लॉन्चिंग उनकी की जाएगी, उससे पहले नहीं की जाएगी। जिस तरह पहले यहाँ पे प्रैक्टिस होती रही है कि बहरिया टाउन जो है वो बुकिंग में बुकिंग करके किसी भी चीज़ की डील लॉन्च करने के बाद जाके उनकी डेवलपमेंट करता है, तो उस प्रैक्टिस को बहरिया ने थोड़ा सा जो है वो हटा के एक नई प्रैक्टिस के साथ बहरिया मैनेजमेंट आई है कि यहाँ पे जो लैंड अभी बहरिया ने परचेज़ की है, ये वाली बहरिया पैराडाइज की, जो कि पहले बहरिया टाउन मैनेजमेंट के पास थी, लेकिन फिर एक टाइम के बाद वो बहरिया ने यहाँ पे बाउंड्री लगा दी या किसी भी रीज़न या मामले की वजह से, लेकिन ये है कि आज यहाँ से बाउंड्री हटा दी जा रही है, बाउंड्री ख़त्म कर दी जा रही है। सिर्फ जो बैक साइड पे गोट है, जिनके पहले यहाँ पे घर बने हुए हैं, गोटे यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनको बाउंड्री लगा के अब वो सामने वाली उनको सेपरेट की है, लेकिन ये वाला जो लैंड था ये बहरिया के पास था, लेकिन केस की वजह से इसको जो है वो बाउंड्री वॉल के अंदर लेके आना पड़ा, लेकिन जो है आज यहाँ से बाउंड्री वॉल जो है वो ख़त्म कर दी जा रही है। यहाँ पे बहुत सारा एरिया प्रेसिडेंट 47 का भी था, 48 का भी था, और उसके बाद गो घाट जो कि यहाँ पे 250 गज के प्लाट यहाँ पे दिए गए थे गो काट के, उसका भी कुछ एरिया आ रहा था, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो यहाँ से रिफंड भी ले लिया था या मर्जिंग की सूरत में चले गए थे, और बहुत सारी फाइलें जो है वो यहाँ से बहरिया के रिकार्ड से चली गई थी, लेकिन दोबारा फिर अब जो है वो बहरिया जिनकी यहाँ पे कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं 47 या 48 की या बहरिया पैराडाइज की 250 गज के हवाले से, उनको अब परेशान होने की या बेचने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के माइनस के प्राइस में आके या किसी भी तरह की किसी भी ऐसे मामले में आके आपको वो बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एक टाइम है इंतज़ार का वो ख़त्म हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से अब यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर बहरिया ने काम करना शुरू कर दिया है। ये आज आप देख सकते हैं कि संडे है, लेकिन ऑफ है, ऑफ की वजह से यहाँ पर आज मशीन काम नहीं कर रही, लेकिन 2 से 3 दिन पहले मेरा यहाँ पे विजिट हुआ था, लेकिन काफ़ी हद तक बहरिया की जो लेबर है वो यहाँ पे काम कर रही थी, मशीनरी यहाँ पे लगी हुई थी। आप इस वीडियो के अंदर ये देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे डस्ट ट्रैक बने हुए हैं, ये सारा रिसेंटली ताज़ा ही काम हुआ है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पर काम किए को, लेकिन ये कि बहरिया दोबारा से यहाँ पे री अलाटमेंट करने की तरफ जा रहा है, री बुकिंग की तरफ जा रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के जो प्लॉट डिस्प्यूटेड में आगे थे, ये बहरिया पैराडाइज के अंदर नहीं है, सेम यही प्रैक्टिस हमें कुछ दिनों के बाद बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के अंदर भी देखने को मिलेगी, जो कि बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के कुछ प्रेसिडेंट्स थे, प्रेसिडेंट 42, 43, 44, 45, जो कि बिल्कुल हमारी नज़र में या कस्टमर की नज़र में ख़त्म कर दिए गए थे, और डेफिनेट वहाँ पर वो ख़त्म हो गए थे, और वहाँ पर बाउंड्री भी लग गई थी, लोगों ने अपने प्लॉट्स की जो है वो यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर मर्जिंग भी ले ली थी, या उनको माइनस का जो रेट चल रहा था बहरिया से डर के उन्होंने माइनस के रेट पे बेच दिए गए थे, उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी बेच दी थी, लेकिन ये कि बहुत हद तक उनको रोका भी था कि आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी रख के इंतज़ार कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत जल्द सेफ हो जाएगी। अभी कुछ मामला ऐसे चल रहे हैं कि बहरिया उनको कवर करने की तरफ जा रहा है बहरिया मैनेजमेंट, लेकिन ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है बहरिया टाउन मैनेजमेंट के हक में आ गई है, सेफ़ है, और सेम इसी तरह से बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के अंदर भी जो प्रेसेंट डिस्प्यूटेड में चले गए थे, जो कि रिफंड में लोगों ने अपने वहां पे काफी प्रॉपर्टी ले ली थी, अब स्पोर्ट्स सिटी के जितने भी प्रेसेंट हैं
जो डिस्प्यूटेड में चले गए थे वो भी आज सारे के सारे क्लियर हो गए। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बैरियर स्पोर्ट सिटी की सेम इसी तरह से जहाँ से बाउंड्री वॉल ख़त्म कर दी गई है उस एरिया की भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसमें आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा। और जैसे ही ये वाला एरिया बैरियर पैराडाइज वाला कम्प्लीट हो जाता है, जब यहाँ पर रोड्स बन जाएंगे प्रॉपर, अभी तो जस्ट हमें डस्ट ट्रैक देखने को मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा फिर वापस 47% और 48% का जो दरमियान का सर्विस रोड है दोबारा से फिर उसके ऊपर आ गया। तो इंशाल्लाह ये जैसे यहाँ पे बैरिया का डेवलपमेंट का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह इसकी डिटेल से फिर एक दफ़ा आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि आप जो है वो इस रियलिटी को अपने घर में बैठे हुए या कहीं भी बैठे हुए खुद देख सकें और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया ने ये जितना भी डिस्प्यूटेड वाला सिलसिला था सारे का सारा ख़त्म करके इसको क्लियर करके दोबारा से वापस यहाँ पर प्लॉट देना शुरू कर दिए। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।